इस कहानी में हम एक ऐसे बुड्ढे को देखेंगे जो एक नंबर का ठरकी होता है और वो किसी बूढ़ी औरत को क्या 12 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ता। मूवी के स्टार्ट होते ही हम चार्ली नाम के बंदे को देखते हैं। यहाँ पर वो एक स्टेज पर खड़ा होकर अपने थॉट शेयर कर रहा था। वो एक पोएट है। वो कहता है हमें अपनी सभी चीज़ों को एक स्टाइल में करना चाहिए। एक्चुअल में चार्ली को यहाँ के मैनेजर ने इन्वाइट किया था। स्पीच देने के बाद नशे की हालत में वो अपने होटल में जाता है। उसके कमरे में एक छोटी लड़की थी। चार्ली के पूछने पर वो उसे बताती है मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ और मुझे अपने कमरे से बाहर मत निकालना। चार्ली के पूछने पर वो कहती है मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। लेकिन इसके बाद भी चार्ली की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक थी और वो उसे टच करने लगता है। लेकिन नशे की हालत में होने की वजह से जल्दी ही उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह होने पर जब चार्ली उठता है तब वो देखता है वो छोटी लड़की उसके सारे पैसे लेकर हवा हो चुकी है। इसके बाद चार्ली बहुत मुश्किल से एक बस की टिकट खरीद कर अपने शहर पहुंचता है, जहां पर हमें पता चलता है वो एक छोटे से लॉज में एक कमरे में रहता है और उसके साथ वाले कमरे में उसकी एक्स वाइफ भी रहती है। कुछ टाइम के बाद उसकी एक्स वाइफ बिकी उसे मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है तुम पिछले 6 हफ्तों से कहाँ थे क्योंकि मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे इस कमरे का रेंट चुकाया है। लेकिन चार्ली उससे कहता है अब तुम मेरी वाइफ नहीं हो और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। लेकिन विकी वहां से जाते टाइम चार्ली की बियर बॉटल्स को खिड़की से बाहर फेंक देती है क्योंकि डॉक्टर ने उसे शराब पीने से मना किया था। यहां पर हमें देखकर पता चलता है चार्ली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं चार्ली एक प्रोस्टिट्यूट का पीछा करने लगता है। वो उसके पीछे पीछे एक बस में चला जाता है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। अट्रैक्ट करने में वो कामयाब भी हो जाता है। लास्ट में चार्ली एक कॉलोनी में पहुंचता है जहां पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब घरों में उस प्रोस्टिट्यूट का घर कौन सा है। इसके बाद हम देखते हैं चार्ली गलती से एक मोटी के घर में घुस जाता है जहां पर वो मोटी चार्ली को देखकर चिल्लाने लगती है। चार्ली उसे कुछ पैसे देकर उस प्रोस्टिट्यूट का पता पूछने लगता है। मोटी चार्ली को उसका पता बता देती है और उससे कहती है तुम कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। इसके बाद चार्ली उस प्रोस्टिट्यूट के घर पहुँचता है और उसकी खुदाई करता है। चार्ली के पूछने पर वो प्रोस्टिट्यूट अपना नाम लिली बताती है। चार्ली को भूख लगने लगी थी तभी लिली कहती है तुम फ्रेश हो जाओ तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इसके बाद चार्ली नहा रहा था और दूसरी तरफ लिली पुलिस को बुलाकर कहती है यही वो आदमी है जो मेरे साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुआ था। पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन चार्ली छूट जाता है और फिर वो एक बार में कश्मीरा नाम की प्रोस्टिट्यूट से मिलता है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और यंग थी और वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। चार्ली उसे अपने घर ले जाता है। इसके बाद कश्मीरा अपने कपड़े उतार कर देने के लिए बिल्कुल रेडी थी लेकिन चार्ली पूरी रात अपना काम करने में बिजी था। लेकिन सुबह होते ही चार्ली ड्रिंक करते हुए कश्मीरा की जमकर बजाता है। शाम होने के बाद कश्मीरा फिर से चार्ली के पास आती है लेकिन चार्ली कहता है अभी मैं मूड में नहीं हूँ। तभी कश्मीरा उसे कुछ पैसे देते हुए अपनी खुदाई करने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं रात में कश्मीरा चार्ली को पुलिस स्टेशन से कॉल करती है क्योंकि कश्मीरा को कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। अगली सुबह चार्ली कश्मीरा को जेल से छुड़वा लेता है। इसके बाद कश्मीरा वहां से चली जाती है। फिर चार्ली मन ही मन में सोचने लगता है अब उसे कश्मीरा की आदत लग चुकी है और ये उसके लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं चार्ली कश्मीरा को अपने दिमाग से निकालने के लिए उस मोटी के घर पर चला जाता है और उसे पैसे देकर उसकी गुफा का नमकीन पानी पीता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो कश्मीरा को नहीं भूल पा रहा था इसलिए वो अपने शहर को छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने घर पर वापस आता है तब उसकी एक्स वाइफ उससे कहती है मैं जल्दी ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली हूँ। शाम होने के बाद चार्ली फिर से उस बार में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से कश्मीरा से होती है। वो कश्मीरा से पूछता है क्या तुमने मुझे मिस किया। इसके बाद वो दोनों फिर से घर पर आ जाते हैं। जब चार्ली कश्मीरा के करीब आता है तब वो देखता है कश्मीरा के गर्दन पर एक कट का निशान था। चार्ली के पूछने पर कश्मीरा उसे बताती है ये सब कुछ मैंने खुद किया है क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये सुनकर चार्ली बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर कश्मीरा उसे रिलैक्स करने के लिए किस करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन चार्ली कश्मीरा को घुमाने के लिए सैंड बार में लेकर जाता है जहाँ पर चार्ली अक्सर पोएट्री लिखने के लिए जाता था। चार्ली और कश्मीरा बीच के किनारे रेत पर एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। इसके बाद चार्ली वहीं पर सो जाता है और कश्मीरा
सारा उसे अकेला छोड़कर वहां से चली आती है। इसके बाद जब चार्ली घर पर आता है तब वो देखता है उसकी एक्स वाइफ ने कमरे को छोड़ दिया था और अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके चली गई थी। इसके बाद चार्ली अपने रूम के अंदर आता है जहाँ पर कश्मीरा बेड पर लेटी हुई थी। चार्ली कश्मीरा से कहता है तुम्हें वहां से अकेले वापस नहीं आना था। कश्मीरा उसे कुछ नहीं बोलती और एक लेटर देती है। ये लेटर उसे प्रोड्यूसर ने दिया था जिसने काम के सिलसिले में चार्ली को न्यूयॉर्क बुलाया था। चार्ली कश्मीरा से कहता है मुझे वहां पर जाना होगा और मैं जल्दी ही तुम्हें भी वहां पर बुला लूंगा। कश्मीरा अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। इसके बाद चार्ली देखता है कश्मीरा ने अपनी गुफा पर एक मेटल क्लिप लगाया हुआ है जो उसे काफ़ी दर्द दे रहा था। चार्ली ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कश्मीरा से ये सब करने की वजह पूछता है। तब कश्मीरा कहती है मैं नहीं चाहती अब कोई मेरे करीब आए। इसके बाद चार्ली बहुत मुश्किल से उस मेटल क्लिप को कश्मीरा की गुफा से बाहर निकालता है। अगली सुबह चार्ली उस प्रोड्यूसर से मिलने के लिए जाता है लेकिन चार्ली को ड्रिंक्स करने की बहुत बुरी लत लग चुकी थी और अपनी हरकतों से वहाँ के दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी वो परेशान कर रहा था। ये सब देखकर प्रोड्यूसर चार्ली से कहता है तुम्हें प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। वो प्रोड्यूसर चार्ली को बाहर निकाल देता है। इसके बाद चार्ली फिर से उसी बार में आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कश्मीरा ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनने के बाद चार्ली चर्च में कश्मीरा की बॉडी देखने के लिए जाता है। ये सब देखने के बाद चार्ली की हालत और बुरी हो जाती है और वो दिन भर सिर्फ ड्रिंक्स करता रहता था। इसके बाद वो सैंडबार में पहुंचता है जहां पर उस सैंडबार की मेड उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन एक यंग लड़की चार्ली के पास आती है और वो उससे पूछती है क्या तुम ही पोएट चार्ली हो तुम मेरे लिए कोई पोएट रीड करोगे। इसके बाद चार्ली उसे टच करते हुए कहता है इस सब के बदले में मुझे क्या मिलेगा। फिर वो दोनों बीच के किनारे चले जाते हैं जहाँ पर चार्ली उसके लिए पोएट रीड करता है। इसके बाद वो यंग लड़की चार्ली के सामने अपनी टांगे खोल देती है। फिर चार्ली अपने औजार को उसकी टांगों के बीच डाल देता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।